अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद नवर और आज सैटरडे है तो इस वीकेंड का कोई मेरा प्लान नहीं बना और ना कल का प्लान है कि मैंने कल क्या करना है और आज का भी नहीं है। और वैसे एक मज़े की बात बताऊं कि आज ना ज़रा बारिश हुई थी सुबह सुबह, दोपहर को हुई थी जब मैं उठाऊँ तो बारिश हुई, अच्छा मौसम अच्छा बन गया, लेकिन अब थोड़ी सी धूप निकल आई है। तो ये मॉडल टाउन का पार्क है तो बहुत अच्छा, यहाँ पे आज ग्रीनरी है तो बहुत अच्छी लुक आ रही है, मज़ा आ रहा है। और आज मेरा दिल कर रहा था कि घूमने को, सुबह मैं उठा हूँ तकरीबन कोई 11 बजे उठा था और उसके बाद फिर मैंने नाश्ता किया और अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, बाल कटवाए, ये कटिंग देख सकते हैं आज मैंने कटिंग करवाई। और पहले तो सोच रहा था कि मैं फ्राज के पास जाऊं तो, लेकिन अब मेरे पास जाने को दिल नहीं है, इतना टाइम तो लग जाना है, ऑफ़ कोर्स आखिर जाना है मिलना है फिर टाइम तो लगेगा ही। मेरे पास अब दो चॉइसेस हैं, या फिर समोसे पकोड़े खा लिए जाएं, टाइम तो वैसे गुजर ही जाना है। तो मैं सोच रहा हूं कि मैंने एक लेना लैपटॉप, तो वो लैपटॉप ले लिया जाए और उसके लिए फिर हफीज़ सेंटर जाना पड़ना, ऑफ़ कोर्स हफीज़ सेंटर या मार रोड से भी मिल जाएगा। तो हफीज़ सेंटर मैं प्रेफर करूँगा, वो बजट तो अच्छा खासा है लेकिन अभी नहीं लेना, कुछ अरसे तक ही लूँगा, अभी बजट हाथ में नहीं है। तो अभी पहले जाके देखते हैं, प्राइसेस वगैरह देखते हैं, मार्केट में देखते हैं कौन सी मशीन अभी आई हुई है। तो निकलता हूँ थोड़ी देर बाद, मैं जा रहा हूँ यहाँ से रिक्शा पकड़ेंगे और रिक्शे पकड़ के फिर सीधा हफीज़ सेंटर। और आई होप सो कि आज हफीज़ सेंटर ओपन होगा, तो अगर ओपन होता है तो फिर अच्छी बात है, वहाँ से देख लेंगे, अगर नहीं होता तो फिर इन केस फिर वहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ खा लेंगे, वहाँ पे बहुत है खाने पीने, देखेंगे क्या वहाँ से अच्छा मिलता है। समोसे तो मैंने खा लिए, अब मैं निकलने लगा हूँ वहाँ पे। अभी वर्कल मार्केट आया हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ से स्पीडो लेनी है, स्पीडो वो जा रही थी, अब मैं तो लेट हो चुका हूँ बहुत ज़्यादा। ऐसा पहले यहाँ पे आग लगी थी तो काफ़ी नुकसान हुआ था यहाँ पे, करोड़ अरबों का। तो माशाल्लाह से फिर से वही रौनक आ गई जो मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इतनी रौनक आज होगी, लेकिन माशाल्लाह उससे भी ज़्यादा यहाँ पे सारे मोबाइल शॉप हैं, तो ऊपर जाना पड़ना, ऊपर जो है वो लैपटॉप की शॉप है। तो मुझे एक जहाँ से मैं लैपटॉप मोस्टली ज़्यादातर लेता हूँ, 5 से 5-6 लैपटॉप लिया उसी शॉप पर ले लेता हूँ, आई होप सो, यस वही शॉप है, वही जगह है, वहाँ से मिल जाना, लेट्स सी, देखते हैं। फरहान भाई नाम था उनका। वो लैपटॉप जो मुझे मशीन चाहिए थी वो तो आई नहीं है, वो मुझे चाहिए थी वर्क स्टेशन, और वर्क स्टेशन वो कह रहा था कि 20 दिन तक आएगी जो मशीन है, तो बाकी भी मशीनें पड़ी हुई थी और किसी जगह चक्का लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक ही जगह मुझे जो कि मैंने चीज़ें लेनी होती हैं उसमें मुझे वो प्राइस थी उसने पता नहीं, लेकिन चेक कर ले कौन सी मशीन क्या रेट चल रहा है। तो यहाँ पे चलते हैं कंप्यूटर, बस क्या चीज़ें देखनी है, हेडफोन लेने थे लेकिन अभी बजट नहीं है, सैलरी नहीं आई और बजट नहीं है।
सो गाइस मैं आ गया वापस और डिसाइड किया हुआ कि मशीनें आई नहीं थी, तो मैं सिर्फ देखने गया था कि मार्केट में अभी कौन सी मशीनें आ रही हैं और कौन सी नहीं आई। तो ज़्यादातर जो है वो छोटी मशीनें थी जो इजी टू कैरी थी, तो मुझे चाहिए थी कुछ वर्क स्टेशन वाली जो जिस पे हैवी काम लाइक प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट और रियल एस्टेट वगैरह जहाँ पे ज़्यादा यूज़ पर कर सकें, और छोटे मोटे काम के लिए तो छोटी मोटी मशीनें चल जाती हैं। तो वर्क स्टेशन जो था वो मुझे बेस्ट लगा और वो 20 दिन तक आएगी मशीन, तो इंशाल्लाह फिर मैं लूँगा। तो आई होप सो कि ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।